दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 400 साल बाद अपने कब्र से निकालकर दूसरी जगह क्यों दफन किया गया था? तो हुआ कुछ यूं था कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो बनी इसराइल ने आपके जिस्म मुबारक को एक ताबूत में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले एक वसीयत की थी कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम लोग यह जगह छोड़कर जाओगे, तो उस वक्त मेरे ताबूत को भी अपने साथ लेकर जाना और मेरे बाबा और दादा के साथ दफन कर देना। वक्त गुजरा और मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया कि जब फिरौन ने बनी इसराइल पर बहुत ज्यादा जुल्म किया तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सब लोगों के साथ वो जगह छोड़कर जाने लगे। लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तब अल्लाह की तरफ से आपको पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, तब रास्ता मिलेगा। तो एक बुढ़िया ने नील नदी का रास्ता बताया और मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक निकाल कर अपने साथ फिलिस्तीन लेकर गए और याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दफन किया।